नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल। बहुत बहुत स्वागत है भक्तों। यदि आप वशीकरण कर कर के थक चुके हैं और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं कि जो आप किसी को भी 72 घंटे के अंदर अपना गुलाम बना सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से लाखों लोगों का हमने काम किया है, लाखों लोगों का इससे फ़ायदा हुआ है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि इस जो भी हम उपाय डालते हैं वो आपके फायदे के लिए और भले के लिए डालते हैं। बहुत से लोग इसमें नेगेटिव सोचते हैं, तो वो बिल्कुल, अगर नेगेटिव सोचते हैं तो बिल्कुल ना करें। पॉजिटिव सोच करके, अच्छा सोच करके, अपनी श्रद्धा ले करके अगर इन उपायों को किया जाए तो सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ऐसी दुनिया में कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान है। तो आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरा देखो, और प्लीज़ आप मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं कुछ टाइम बाद ही वीडियो बना रहा हूँ, लगभग मुझे 6 मंथ से ऊपर हो गया है, बट मेरी कुछ प्रॉब्लम थी। मैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना चाहता था, कुछ पाने के लिए कुछ खोना चाहता था। तो आप भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, तभी आप पा पाएंगे। तो मैं भी ऐसी जगह पे गया था जो कि मुझे एक सिद्धि मिली है, प्राप्त हुई है, ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुई है, और आप लोगों को प्यार से प्राप्त हुई है, ताकि आप लोगों का और ज़्यादा भला कर सकूं। तो मैं एक ऐसी जगह पे गया था जहाँ से मुझे एक आशीर्वाद मिला है आप लोगों की कृपा से और ईश्वर की कृपा से। इसलिए मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डालता हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज मेरे पास एक और सिद्धि प्राप्त हुई है, इसके लिए मैं इस वीडियो को प्रारंभ करते हुए आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। और इस वीडियो में आप बहुत प्यार दें, बहुत प्यार दें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो आगे आप लोगों की बेहतर मदद कर पाऊँगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने दिल की बात बताना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप भी मेरे एक परिवार का सदस्य हो। जितने लोग आप मेरे से जुड़े हो, आप भी मेरे परिवार हो। तो परिवार सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा? बाहर वाला तो कोई करेगा नहीं किसी को भी। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ी सी चावल और 2 लौंग लेनी है, ठीक है? ध्यान दीजिए, 2 लौंग रख लेने, थोड़ी सी चावल में, पहले से इसमें हल्दी और थोड़ी सी इसमें मिर्ची और नमक का प्रयोग करना है। इसको मिक्स कर देना, जैसे कि मैंने इसमें पहले से मिला दिया है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाए तो आपको दिखाते। तो इसमें ज़रा सा नमक और ज़रा सी मिर्ची और ज़रा सी हल्दी और 2 लौंग रख लेना है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है, जैसे कि मैं पहले से ही मिक्स किया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना, ठीक है? 1 लौंग को उठा लेना है अपने हाथ में, 1 लौंग को वहीं पड़ी रहने देना है, ध्यान दीजिएगा, 1 लौंग को उठा लेना है और 1 लौंग को वहीं पड़ी रहने देना है। आपको क्या करना है और कौन सा मंत्र का जाप करना है और कितने बार करना है, किस दिन करना है, सब कुछ मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है? आपको यह उपाय हफ्ते में किसी भी दिन कर सकते हैं। इसका टाइमिंग आपको 8 बजे शाम को, जो 8 बजे से 12 बजे के अंदर करना है, ठीक है? शाम को 8 बजे और 12 बजे के अंदर, रात्रि में 12 बजे के अंदर इस उपाय को आप कर सकते हैं। क्या करना है, आपको 1 लौंग पकड़ लेना है और 1 मंत्र का जाप करना है। कैसे करना है मैं आपको बता दूँ, ओम त्रीम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम त्रीम भैरवाय नमः स्वाहा, कितने बार करना है, 111 बार। इस तरीके से करना है, इस तरीके से चलाते जाना है, मंत्र को बोलते जाना है, लौंग में भी टच हो, छत में भी, मतलब चावल में भी टच हो,
इस तरीके से आपको इस मंत्र का जाप आपको 111 बार करना है। इसके बाद आप जब 111 बार एकांत में बैठ कर कोई देखे ना, कोई रोके ना, कोई टोके ना, जब आपका 111 बार हो जाए तो आपको क्या करना है, आपके पास यही पेपर हो तो उसी में फोल्ड कर सकते हैं। मेरे पास ये फोल्ड करने लायक पेपर है नहीं, इसलिए मैंने दूसरे में डाल दिया। दूसरे में भी आप डाल सकते हैं। आपको क्या करना है, इसको आपको हो सके तो, मैं आपको दो तरीका बताऊंगा, हो सके तो इसको तकिया के नीचे रख लेना है, और अगर नहीं हो सकता तो कहीं छुपा के रख देना है। दूसरे दिन इसको जा करके पीपल के पेड़ के पास छोड़ देना। दबाना बाना नहीं है, पीपल के पेड़ के पास या बरगद के पेड़ के पास आपको जा करके रख देना है। आपको कुछ नहीं करना, सीधे जा करके रख देना है। अपने प्यार का नाम 11 बार बोलेंगे रखते समय, वापस पलट के देखना नहीं है, इस चीज को वापस पलट के देखना नहीं है। रखते समय 11 बार, 7 बार या 21 बार, जितने बार आप ले सकें, वो अलग चीज हो गई। 5 बार बोल दें, 11 बार बोल दें, 21 बार बोल दें, 51 बार बोल दें, अपने प्यार का नाम लेना है। और आपको जैसे ही रखा, रखने के बाद ही बोलना है, पहले से मत बोलना, रख देना और नाम ले लेना, चले आना। आपका प्यार आपके वश में होगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, जो आप चाहोगे वही होगा। तो उम्मीद करूँगा आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी, पसंद आई हो, बहुत दिनों बाद आया हूँ आपके सामने, आप लोगों को क्षमा चाहता हूँ। लाइक कर दीजिए प्लीज, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम।